आपका पहला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी चार्ल्स ने, ऑप्शन सी पीटर ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीटर ने। आपका दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुशीनगर। आपका तीसरा सवाल है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1945। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1996। आपका चार नंबर का सवाल है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। आपका पांच नंबर का सवाल है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 40 दांत, ऑप्शन बी 42 दांत, ऑप्शन सी 80 दांत, ऑप्शन डी 82 दांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80 दांत। आपका छह नंबर का सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। आपका सात नंबर का सवाल है, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी भगत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राहुल। आपका सात नंबर का सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी व्हेल मछली, ऑप्शन सी शार्क मछली, ऑप्शन डी गरनाई मछली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गरनाई मछली। आपका आठ नंबर का सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी राजस्थान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलकाता में। आपका नौ नंबर का सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। आपका दस नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी। आपका 11 नंबर का सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी रायपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर। आपका 12 नंबर का सवाल है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए
62 वर्ष, ऑप्शन बी 63 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 62 वर्ष। 13 नंबर का सवाल है, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। आपका 14 नंबर का सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोसी। आपका 15 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1917 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 में। आपका 16 नंबर का सवाल है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी। आपका 17 नंबर का सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपका 18 नंबर का सवाल है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। आपका 19 नंबर का सवाल है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम। आपका 20 नंबर का सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? ऑप्शन ए बैंगन, ऑप्शन बी कद्दू, ऑप्शन सी पालक, ऑप्शन डी करेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पालक। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।